गेटिंग रेडी कि मीठा भी है ना, मीठा भी बनता है ना, होता ना मीठा, इधर होगा नमकीन, शिमला साइड होना शायद। हाँ जी शिमला में। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ बिजली महादेव, जो कि हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक ऑफ रोड विच इज़ 51 किलोमीटर्स फ्रॉम सोयल विलेज, जहाँ पर हमने लास्ट नाइट कैंप किया था। वहाँ से बिजली महादेव तक का डिस्टेंस है। और यस, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको भी प्लान करना है बिजली महादेव ट्रैक। गेटिंग रेडी। सुबह सुबह उठकर 3:30 बजे हम लोग निकल गए थे, तो कुछ भी किया नहीं था, तो बस अभी आकर वी आर जस्ट गेटिंग रेडी, थोड़ा सा फ्रेशन अप फील करने के लिए। फ्रेश फ्रेश फील्स, फ्रेश फ्रेश फील्स। देखो गंदा हो गया। हर हर महादेव। तो लोग ट्रैक करके किधर से आते हैं? तो पीछे से। अच्छा, अभी दिखाता हूँ मैं एक जगह जहाँ से देवता जाता है नीचे। हाँ। उतरता। अच्छा ओके, रस्सियों से बांध। अच्छा हाँ, सो गाइस हम आ गए हैं बिजली महादेव के मंदिर में, और आई कांट इवन टेल यू, यहाँ से सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा है, नज़ारे इतने सुंदर दिख रहे हैं। और मंदिर में अभी जस्ट मैं माथा टेक कर आई हूँ, इतनी शांति मिली, पूजा भी चल रही है अंदर सुबह सुबह, तो इट्स लाइक सो पीसफुल, सो नाइस, और बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं वहाँ से तो ऐसे ही निकल गई थी, सुबह 3:30 बजे निकले थे हम इसलिए, पर मैंने यहाँ पर आकर ड्रेस चेंज किया लाइक गाड़ी में ही, और फ्रेशन अप हो गए। मुझे पता था क्योंकि महादेव के दर्शन करना, तो आई मीन इट्स ब्लेसिंग। अभी दर्शन किए हैं, यहाँ पर मंदिर है, और मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, और यहाँ पर इतनी शांति है कि मैं थोड़ा सा ज़ोर से कुछ बोलूँगी तो गूंज जाएगी यहाँ से। पर इन द मिडल ऑफ हिमालयाज, चारों तरफ सिर्फ हिमालयाज के व्यू है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सो अभी यहाँ पर थोड़ी देर हम बैठेंगे, देयर इज़ अ प्लेस जहाँ से पूरा कुल्लू दिखता है। I'm gonna turn the camera and we'll show you guys.
बिजली महादेव टेम्पल से बाहर जा रहे हैं और मतलब बाहर आ गए हैं एक्चुअली. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. बहुत अच्छा लगा. वहाँ पर इतनी शांति थी कि हम लोगों ने तो मतलब मैं ऐसे लेटी थी और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ नज़ारों के साथ सो गई. आई मीन कैप मुंह पर डाल के एंड पता ही नहीं चला. इज़ लाइक कि हाफ एन आवर की नैप ले लिया क्योंकि कल रात बिल्कुल ऐसे अच्छे से सोए नहीं थे और सुबह सुबह 3:30 बजे निकल गए थे. तो या आई टुक अ नैप. अब जाके नीचे देखते हैं कोई टपरी वपरी कुछ खुला होगा तो जाकर चाय या कुछ पियेंगे क्योंकि इट्स 9 नाउ. हम 3:30 बजे से अवेक है तो अब तो कुछ ऐसा मन कर रहा है कि चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाए. वैसे तो सारे ढाबे वाबे सब बंद है अभी क्योंकि टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं, बट हमें पता चला है कि कोई एक तो कुछ खुला हुआ है टपरी. और हमारे साथ की और भी गाड़ियां जो है जिनके मतलब सब आ रहे हैं पीछे से. हम ओवर एंथू लोग ट्रैवलर बड़े जल्दी पहुँच गए. वो रही हमारी गाड़ी. कैन यू स्पॉट? ये रही. बहुत बड़े सिड्डू बनाए आंटी आपने. बड़े यहाँ तो बोलते छोटे हो गए. अच्छा सिड्डू होता ही है बड़ा. नमकीन है ना ये? हाँ जी. मीठा खाना था आपको? नहीं मुझे नमकीन ही पसंद है. कि मीठा भी है ना, मीठा भी बनता है ना. होता ना मीठा, इधर होगा नमकीन. शिमला साइड होना शायद. हाँ जी शिमला में. टूरिस्ट आ रही सारा नहीं आ रहा है? कहाँ टूरिस्ट आ रहे. पराठे भी नहीं बनेंगे? बन जाएंगे पराठे. हाँ पराठे खा लो ना यार. हाँ पराठे खा लेंगे हम यार. ये एक दे दो और पराठे बना. कौन से पराठे? किसके? आलू वाले. हाँ बस पनीर मांग रहा. पनीर पराठे आए बड़ा. वी आर गोइंग टू हैव पराठास आफ्टर सिड्डू. अब क्या करें और बताओ. आई मीन हमने दर्शन कर लिए, आराम कर लिया, नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया. स्टिल दे गाइज हैवेंट केम येट. सो अभी तक हम उनका वेट ही कर रहे हैं. फिर हमने सोचा कि चलो उनको ही रेस्क्यू करने जाते हैं. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम बस पैदल पैदल वॉक करते हैं थोड़ा सा. और धूप इतनी ज़्यादा भी हार्श नहीं है तो या वी डिसाइडेड टू वॉक थोड़ा सा. जहाँ मिलेंगे वहाँ उनके साथ बैठ लेंगे गाड़ी में. बट लुक एट द व्यू, प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ मस्त मज़े आ रहे हैं. ओह माय गॉड लुक एट दैट माउंटेन. नाउ जंगलों में भी पेड़ देखिए किस तरीके से कटते बेरहमी से. सारे पेड़ कटे हुए हैं यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, जो प्राण वायु है किस तरीके से काट दिए जाते हैं. और आई नो इसका एक अलग पॉइंट भी है विच यू गाइड्स विल डेफिनेटली टेल. पर हाँ मैं जस्ट अपना थॉट बोल रही हूँ कि या व्हेन वी सी इतने डेंस जंगल में से ये बीच बीच से पेड़ काट दिए गए तो और पता है वो दो जिप्स के बीच में बाहर का लग गया था, अंदर का लगा नहीं थी तुम इसके नाक. ये भी डाल देना. लैंडिंग. ओह टेक ऑफ तो कर ले भाई. लैंडिंग ही करवाना पहले. टेक ऑफ थोड़ा हिलना चाहिए ना. ऐसे सफर तो बातें बातें करते रहो, हंसते रहो. अच्छा क्या हमें वो अबे ओके हाची हाची कैसे देख रहा है. चलो गाइस भाई कितना मेहनत, कितनी. ओ माय गॉड लुक एट द डेडिकेशन. ऐसे ये स्पेशल अपीयरेंस जाने वाली है कि ऐसे लेट लेट के काम किया जा रहा था. चलो चलो उतरना नहीं है गाइस. चलो बैठो 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 लेट्स गो. Situation muddy.